टर्म्स ऑफ प्रोज के अंतर्गत हमने जाना कि नॉवेल क्या होते हैं, और उसके बाद में हम नॉवेल्स के टाइप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पिकारेस्क नॉवेल क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होते हैं, और आज का जो नॉवेल है हम देखने वाले हैं कि गोथिक नॉवेल क्या होते हैं। यस, गोथिक नॉवेल जो होते हैं बड़े ही डरावनी स्टोरीज इनमें होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मूर्तियां चलने लग रही चल जाती हैं, उनकी आंखों से खून निकल रहा है, और बड़ा ही बहुत ज़्यादा उसमें हॉरर होता है, टेरर होता है। आप उन्हें अकेले देख नहीं सकते, रात में देख नहीं सकते, देखने के बाद तुम्हें बहुत डर लगेगा। इस तरह के ये नॉवेल होते हैं। तो अपने लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे नॉवेल हैं गॉथिक नॉवेल की कैटेगरी में जो आते हैं, किसने लिखे हैं ये नॉवेल, कब से शुरुआत होती है इनके लिखने की। तो ये जो गॉथिक नॉवेल है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि क्या हिस्ट्री है, कहाँ से कैसे ये ड्राइव करते हैं। तो ये जो गॉथिक नॉवेल है, गॉथिक ये है जो वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड गोथ्स, जो गोथ्स हैं वहां से ये गॉथिक वर्ड बन गया है। गोथ्स जो है वहां से ये गॉथिक वर्ड बन गया है। गोथ्स कौन थे? गोथ्स गोथ्स वर द ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल थे ये लोग। और इन्होंने क्या किया, हु इन्वेडेड द रोमन एम्पायर, इन्होंने क्या किया, लूटा, इन्वेड किया रोमन एम्पायर को, डिस्ट्रॉय द क्लासिकल आर्ट, और रोमन साम्राज्य की जो क्लासिकल आर्ट थी उसको डिस्ट्रॉय किया, और फिर उसके बाद वहां पे डोमिनेट किया, डोमिनेटेड इन वेस्टर्न यूरोप, और फिर अपना साम्राज्य वहां पे स्थापित किया। कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में। और ये बात है कब की, 12th century 15th century, बिटवीन 12th and 15th century। तो ये गॉथिक जो है वो पीपल थे, गोथ से आए थे, है ना, और उन्होंने क्या किया, रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपना वहां पे स्थापत्य किया। और ये बात है 12th century से 15th century के बीच में। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, दीज पीपल डिस्ट्रॉयड देयर, developed their own architectural style and faith in the medieval culture. तो रोमन एम्पायर को तो उन्होंने पूरी तरह से इन्वेड करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी आर्ट को भी, आर्ट म्यूजिक कल्चर वगैरह इन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहाँ पर अपना डोमिनेशन करने के बाद जो अपनी ये इनकी आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको वहाँ पर डेवलप किया, और मीडिएबल कल्चर जो है वहाँ पर इन्होंने उसको डेवलप किया, ठीक है। तो ये गॉथिक वो लोग थे, तो हमने इनकी हिस्ट्री जाना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गॉथिक नॉवेल हैं ये लिखी जाने लगी, ये आई है कब, आई है 18th century में ये आई हैं। तो हम देखेंगे विक्टोरियन पीरियड का टाइम चल रहा है यहाँ पे, और ये लिखी जाती हैं इन प्रिंसिपली बाय हॉरेस वॉलपोल। सबसे ज़्यादा फेमस है इनको गॉथिक नॉवेल के लिए, बहुत 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 ज़्यादा इनको जाना जाता है हॉरेस वॉलपोल के को, और ऑल्सो कॉल्ड इन नॉवेल को, गॉथिक नॉवेल को हॉरर नॉवेल कहा जाता है, टेरर नॉवेल इन्हें कहा जाता है। कहाँ राइज होता है गॉथिक नॉवेल का, 18th to end 19th century में, लास्ट 18th century से 19th century के बीच में, है ना। और इनका जो एलिमेंट्स है वो क्या रहता है, बोथ हॉरर एंड रोमेंस। जैसे कि यहाँ पे ये जो नॉवेल है डेस्ट्रोजी और द मॉन्क, ये नॉवेल रोमेंस तो है पर इनमें क्या हॉरर दिखाया जाता है, इसलिए ये गॉथिक नॉवेल की कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले हम जो हॉरेस वॉलपोल को जाना जाता है गॉथिक नॉवेल के लिए, तो हॉरेस वॉलपोल का वर्क है क्या, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, 1764 में आया है, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, और सबसे पहला गॉथिक नॉवेल इसको माना जाता है। द ओल्ड इंग्लिश बैरन, ये जो वर्क आया है ये है क्लेरा रीड के द्वारा, और ये भी एक गॉथिक नॉवेल है। मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो बाई एन रेडक्लिफ, गॉथिक नॉवेल ये है। मॉन्क जो है ये, और जस्ट्रोजी जो है, मॉन्क
एन जी लेविस के द्वारा लिखा हुआ है, रोमांस है ये, मगर इसमें गॉथिक नोवेल की कैटेगरी में है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हॉरर और टेरर यहाँ दिखाया जाता है, सेम एज पी वी सैली के द्वारा लिखा गया है जस्ट रोजी। तो यहाँ पे हमने गॉथिक नोवेल के बारे में जाना और कौन कौन सी ऐसी नोवेल है उनके बारे में जाना। हॉरेस वॉलपोल को हमें याद रखना है इसके लिए, ये प्यूपल कहाँ से कैसे आए इनके बारे में हमने जाना। होप करती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपसे आपको इससे बेनिफिट भी होगा और अच्छा भी लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प करें। थैंक यू।